हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक, अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये एस ब्लॉक का फर्स्ट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर ही है ना। पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग अपन पढ़ चुके हैं, एस ब्लॉक आज शुरुआत कर रहे हैं। और चार लेक्चर का ये चैप्टर है, चार लेक्चर के अंदर ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, है ना। ईजी चैप्टर है, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। बस जो अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा है बस वही सारी बातें रिपीट होंगी, ज़्यादा कुछ खास बातें हैं नहीं ना। जितनी खास बातें होंगी सारी बताए देंगे, जो रिपीट होंगी वो भी बताऊंगा। तो आराम से बैठो और अपनी नोटबुक पास रखना, जिसमें नोट्स बनाते रहना अपने और लिखते रहना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक होता क्या है? क्या होता है एस ब्लॉक, किसको बोलते हैं एस ब्लॉक? तो जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ के आ चुके अपन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है? फर्स्ट ग्रुप होता है ये पीरियोडिक टेबल में क्या है? फर्स्ट ग्रुप है जी, पता लग गया कौन सा फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में? फर्स्ट ग्रुप कौन सा? ये वाला क्या है? फर्स्ट ग्रुप है। कौन कौन आता है इसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। याद करने का जो सिंपल सा तरीका, जो मैं याद रखता हूं, वो मैंने आपको बताया भी था पीरियोडिक टेबल के अंदर भी, कि लीला ने कहा रूबी सजी फिरे। बाकी सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो मैंने बता दिया तरीका, है ना, याद कर सकते हो। फर्स्ट ग्रुप ये हो गया, सेकंड ग्रुप इधर बना लेते हैं अपन, है ना, बनाया हुआ नहीं तो बना लेते हैं। चलो क्या दिक्कत हो गई, बना लेते हैं। सेकेंड ग्रुप हो गया बेरिलियम, ठीक है। तो मैं जैसे याद रखता हूँ वैसे मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो। ये आपका सेकंड ग्रुप है, क्या है? सेकंड ग्रुप है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। सब अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ बोलते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? सेकंड ग्रुप है और ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप है। दोनों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, दोनों ग्रुप्स को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक। तो आपको पूछे एस ब्लॉक क्या है? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को मिलाकर एस ब्लॉक बनता है। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर पहले अगर बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की, बात करेंगे उसके बारे में, उसकी जनरल बातें करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद में कुछ रिएक्शंस देखेंगे, और फर्स्ट ग्रुप वाले जो ये एलिमेंट्स हैं इनके कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड ग्रुप की। तो फर्स्ट ग्रुप को आप ढंग से देख लोगे तो सेकंड ग्रुप के अंदर वही बातें फिर रिपीट होंगी, है ना। तो पहले ग्रुप के अंदर अपन को थोड़ा सा टफ लगेगा, टफ तो क्या ही है, वो आसान है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद में सेकंड ग्रुप के अंदर कुछ टाइम नहीं लगेगा, जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर बातें होंगी वही फिर रिपीट होने लग जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन, फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? NS1। क्या है? NS1 का मतलब क्या है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम, फ्रेंसियम है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाएगा? एस के अंदर भरा जाएगा। किसके अंदर? एस के अंदर भरा जाएगा। और लास्ट में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि एस के अंदर भरा जाएगा। यहां पर एन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो एस NS1 तो यहां पर सबके अंदर वन ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर भी वन आएगा, इसके अंदर भी वन, इसके अंदर भी वन, इसके अंदर भी वन, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? NS1। यही मैं बात करूं सेकंड ग्रुप की, सेकंड ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगी? NS2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? NS2 हो जाएगी, ठीक है। अपने पीरियड में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट साइज में सबसे बड़े होते हैं। दूसरी पॉइंट क्या लिख रखा है कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पीरियड के अंदर सबसे बड़े होते हैं। अपने पीरियड में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स सबसे बड़े होते हैं, हिंदी में लिख रखा है, इंग्लिश चल कोई दिक्कत नहीं, इतने समझ आते ना, आपको भी आसानी रहेगी। कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो अपने अपने पीरियड के अंदर साइज में सबसे बड़े होंगे। बात करें अपन कि लिथियम जो है वो अपने पीरियड के अंदर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो साइज क्या होती है? कम होती है। लेफ्ट टू राइट जब अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं तो साइज क्या होती है? कम होती है। एक बार दिखाता हूं आपको, पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं एक बार। ये मान लो आपकी पीरियडिक टेबल है ना, ये यहां फर्स्ट ग्रुप है,
ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तब जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये राइट आपका और ये क्या लेफ्ट है। लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है, कम होती है। लेफ्ट से राइट से राइट राइट की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगी, कम होगी। और लेफ्ट साइड में कौन है जी, लेफ्ट साइड में कौन आपका फर्स्ट ग्रुप क्या है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइज कम होगी, मतलब लेफ्ट वालों की साइज सबसे ज्यादा, राइट वालों की साइज सबसे कम। ठीक है, तो आपको ऐसे समझो कि 10 लड़के खड़े हैं, 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हैं, हाइट के अकॉर्डिंग अपन ने उनको खड़ा कर रखा है, ऐसे लाइन में खड़ा कर रखा है हाइट के अकॉर्डिंग। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उसको लेफ्ट साइड में खड़ा कर रखा है, उससे कम फिर राइट साइड में, उससे कम राइट साइड में, उससे कम राइट साइड में, जिसकी सबसे कम है उसको राइट साइड में, जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है उसको लेफ्ट साइड में खड़ा कर रखा है। 10 लड़के हैं, 10 को अपन ने खड़ा कर रखा है ऐसे। ठीक है, अब 10 के बाद में उसके 10 जो 10वां जो लड़का है जिसकी हाइट सबसे कम है उसके पास में एक टीचर भी खड़े हैं ना, तो टीचर को अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन तो स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे। बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, 10 स्टूडेंट खड़े हैं, हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर रखा है, जो राइट साइड में है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, उसके पास वाले की हाइट उससे कम, उसके पास वाले की हाइट उससे कम, उसके पास मतलब राइट साइड में जो है उसकी हाइट सबसे कम है, ऐसे अपन ने अरेंज कर रखा है सबको। और जैसे कि हाइट सबसे कम है ना राइट साइड में जो खड़ा है उसके पास में एक टीचर खड़े हैं। ठीक, तो मैं आपको यहां पूछूं कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो आप बोलोगे जो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में कौन है जी, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है, लेफ्ट साइड में, तो इनकी साइज सबसे ज्यादा है। वही मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम साइज किसकी है पीरियड के अंदर, ये पीरियड बना रखा अपन ने पूरा, इस पीरियड के अंदर सबसे कम साइज किसकी है, तो आप बोलोगे भैया जो राइट साइड में उसकी जो साइज है वो सबसे कम है। राइट साइड में कौन, यहां पर आपके हैलोजन, तो आप बोलोगे भैया नोबल गैसेस भी तो हैं, यहां पर तो राइट साइड में नोबल गैसेस होती है ना, तो मैंने कहा नोबल गैसेस कौन है, वो टीचर खड़ा है ना उधर, वो टीचर खड़ा है, वो क्या है नोबल गैस है। टीचर को काउंट ना करेंगे अपन, तो स्टूडेंट्स को देखेंगे, नोबल गैस को नहीं देखना आपको, नोबल गैस को नहीं देखना है, नोबल गैस की साइज ज्यादा होती है ना, नोबल गैस को नहीं देखना है आपको, किसको देखना है, हैलोजन की साइज सबसे कम होती है पीरियड के अंदर, और सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है, जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी इनकी साइज सबसे ज्यादा होती है एक पीरियड के अंदर। जैसे हमारा सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड की बात करें अपन, सेकंड पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा उसकी साइज सबसे कम, जो हैलोजन होगा उसकी साइज सबसे कम, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी और जो हैलोजन होगा उसकी साइज सबसे कम होगी। साइज में उल्टा बोल गया ना, चलो कोई नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि अपने पीरियड में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स साइज में सबसे बड़े होते हैं, अपने पीरियड के अंदर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स साइज में सबसे बड़े होते हैं। टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये टॉप है और ये बॉटम है, मतलब एक ग्रुप के अंदर, ये फर्स्ट ग्रुप है जी, फर्स्ट ग्रुप है ना, ये बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ टॉप से मैं बॉटम नीचे की तरफ जाऊंगा, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाऊंगा तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब क्या है, लिथियम से मैं सोडियम की तरफ जाऊंगा तो सोडियम की साइज मुझे लिथियम से बड़ी दिखेगी, और मैं सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाऊंगा तो पोटेशियम की साइज मुझे सोडियम और लिथियम से बड़ी दिखेगी, और पोटेशियम जब मैं रूबीडियम की तरफ जाऊंगा तो रूबीडियम की साइज मुझे पोटेशियम सोडियम और लिथियम से ज्यादा दिखेगी, और मैं जब रूबीडियम से सीजियम की तरफ जाऊंगा तो मुझे रूबीडियम पोटेशियम सोडियम लिथियम से ज्यादा दिखेगी। मतलब क्या है कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा, ग्रुप के अंदर जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो मुझे साइज क्या है, बढ़ती हुई दिखाई देगी। मतलब इस ग्रुप के अंदर मैं अगर बात करूं तो सबसे छोटी हाइट किसकी, लिथियम की, और सबसे बड़ी किसकी, सीजियम की। तो आप बोलोगे भैया फ्रेंसियम भी है, हाँ बिल्कुल फ्रेंसियम है, लेकिन फ्रेंसियम की अपन ज्यादा बातें इस चैप्टर के अंदर करेंगे नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपन सीजियम तक की बात करेंगे ना। सबसे कम एटॉमिक साइज किसकी फर्स्ट ग्रुप के अंदर, लिथियम की, और सबसे ज्यादा क्यों, सबसे ज्यादा किसकी, सीजियम की। क्यों, क्योंकि ऊपर डाउन टॉप टू बॉटम जब आप जाते हैं अपन, ये कैमरा क्या गया, मक्खी आ रही है, मक्खी जी साइड दो, लिथियम से जब अपन सीजियम की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो सबसे कम साइज किसकी है, लिथियम की सबसे कम साइज है, और फिर बात करें अपन सीजियम की तो सीजियम की साइज सबसे ज्यादा है। समझ में आ गई बातें, और ये रेडियो एक्टिव मैंने आपको बता ही दिया। चलो ये आपका साइज का ऑर्डर है, ये लिथियम की साइज सबसे कम है और फ्रेंसियम की सबसे ज्यादा, फ्रेंसियम की बात नहीं करेंगे अपन, लेकिन फ्रेंसियम की साइज सबसे ज्यादा होती है ग्रुप के अंदर, अगर फ्रेंसियम का पूछे तो बता देना सबसे ज्यादा होती है, वरना फ्रेंसियम का नहीं पूछा क्योंकि रेडियो एक्टिव है, सीजियम की सबसे ज्यादा। चलो ये ऑर्डर याद रहेगा, अब आगे चलते हैं, बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी
फर्स्ट ग्रुप वालों की आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हिसाब किताब है उसकी बात कर लेते हैं ना, कैसा हिसाब किताब है इनकी फर्स्ट ग्रुप वाले। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब बोलोगे भाई फ्रेंसियम कहाँ गया, फ्रेंसियम मैंने बता दिया आपको रेडियो एक्टिव है, उसकी ज्यादा बातें अपन नहीं करेंगे है ना। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है पहले तो आपको वही पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेकिन वापस आपको बता देता हूँ, आप भूल गए होंगे, वापस याद दिला देता हूँ आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, कोई एक एटम है मुझे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना वही क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। एग्जांपल की बात करें तो मान लो ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसमें यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, तो क्या करूंगा, हाथ, ये एटम मैंने हाथ में ले रखा है और दूसरे हाथ से मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, ऐसे निकाल दूंगा, ऐसा थोड़ा निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता ना। देखो ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करके रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करके रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के रखेगा बिल्कुल कसके। अब कसके पकड़ के रखेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई, मुश्किल हो जाएगा, तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे, इसको एनर्जी देंगे, इसको एनर्जी देंगे, इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वही आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। बात समझ में आई या नहीं आई, आई चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया क्या होती है। अब क्या है टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, जब अपन फर्स्ट ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाएंगे ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तब क्या होगी साइज क्या होगी बढ़ेगी, ये भी अपन पढ़ क्या चुके हैं, ये देखो अभी अपन ने पढ़ा है, अभी अपन ने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जाते जब जाते हैं तो साइज बढ़ती है, वही बात मैंने यहां लिख रखी है कि टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो साइज बढ़ती है, और जब साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। बोले ऐसा क्यों भैया, ऐसे क्यों, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होती है, अभी बता देते हैं, इधर आओ बताता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होती है। ये देखो ये एटम छोटा है और ये एटम बड़ा है, दिख रहा है, तो ये एटम क्या है छोटा है और ये एटम क्या है बड़ा है, इसको मैं थोड़ा और इधर कर लेता हूं, ये वाला एटम क्या छोटा है और ये वाला एटम क्या बड़ा है, इतना तो दिख रहा है हमें। अब देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है जी, ठीक है, छोटे वाले के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहेंगे पास पास रहेंगे, जितने पास पास है मतलब पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को पकड़ के रखेगा, कस के पकड़ के रखेगा, ठीक है। यहां पर क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा दूर दूर है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को पकड़ के तो रखेगा लेकिन कस के नहीं पकड़ पाएगा, कस के नहीं पकड़ पाएगा, क्यों नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है यार, क्या है दूरी जो है ना वो ज्यादा है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास है तो कस के पकड़ के रखेगा, और यही क्या है पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो दूर दूर है तो कस पकड़ के तो रखेगा लेकिन कस के नहीं पकड़ पाएगा, एकदम से पकड़ नहीं पाएगा, है ना। चलो अब मुझे क्या है इस छोटे वाले में से अगर इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, छोटे वाले एटम से मुझे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे क्या है बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को पकड़ रखा है कस के, अब कस के पकड़ रखा है तो दोनों को छुड़वाना है तो मुझे क्या है बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन वही मैं बात करूं बड़े वाले की, इस बड़े वाले एटम की, तो यहां पर क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े दूर दूर है, कस के नहीं पकड़ रखा, यहां पर मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या है मुझे यहां जब छोटा था ना जो एटम जब छोटा था तो उसके अंदर मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को कस के पकड़ रखा था। वही मैं बात करूं बड़े वाले एटम के अंदर तो यहां पर मुझे एनर्जी कम देनी पड़ रही है, मतलब क्या हुआ कि जब साइज कम होती है, मक्खी चली जा मत खराब कर, अरे कहां से आ गई, रिकॉर्डिंग खराब करेगी ये। चलो कहां थे अपन, मैं बात ये बोलना चाह रहा हूं कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को पकड़ के रखेगा, तो जितना छोटा होगा ना एटम जितना छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जो इलेक्ट्रो एटम बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो उसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही बात यहां बोल रहा हूं कि जब साइज बढ़ती है तो
आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि सीजियम की साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी, है ना। चलो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आई। उसके बाद बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर। एक मिनट दीजिए यार, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं ना, क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है, उसको क्या बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब जो एटम, जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। जो एलिमेंट जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या है, उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वापस बताऊं, एक एटम है वो क्या है, तैयार बैठा है जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। एक कोई भी एलिमेंट है वो तैयार बैठा है कि मैं तो बस तैयार बैठा हूं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, कोई मुझे बोले और मैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कुछ नहीं है, ऐसा एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी हो लूज करने की इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकाल, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लार्ज साइज इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रिमूव्ड टू फॉर्म एम प्लस आयन। अब देखो आपके जो ये एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या इनकी साइज बड़ी होती है, क्योंकि पीरियड के अंदर सबसे बड़ी साइज इनकी है, ठीक है, इनकी साइज बड़ी है, इसलिए ये क्या है जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दी कि जिनकी जिस एटम की साइज जितनी बड़ी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, उतना ही आसान होगा, तो उनमें से क्या है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये क्या है अपना लिथियम, मान लो ये अपना क्या सोडियम है जी, सोडियम है, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा Na+ बन जाएगा, मतलब क्या है एम प्लस आयन बन गया। एम क्या है यहाँ पर कोई भी आप रख सकते हो, एलिमेंट सोडियम लिथियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को सब, है ना, तो एम प्लस आयन बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि भैया लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ती है, लिथियम से जब हम सीजियम की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ती है, ये बात मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। तो जब साइज बढ़ती है ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो बोलोगे भैया हम ये तो मानते हैं कि साइज बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे बढ़ता है वो बताइए। मैं तो वो बताते हैं आपको, मैंने अभी आप भी आपको एक बात बोली कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कुछ नहीं होता, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल देगा ना, जो जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा वही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो जब साइज बढ़ेगी, जिसकी साइज जितनी बड़ी, जिसकी साइज बड़ी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। मतलब सीजियम की साइज बहुत बड़ी होती है, उसमें उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, अभी बात कर चुके हैं अपन, है ना, जो सीजियम की साइज बहुत बड़ी होती है, जिसकी साइज बड़ी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना उतना ही आसान है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। सीजियम की साइज यार बड़ी होती है, अभी बात कर चुके हैं ना, सीजियम की साइज बड़ी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, छोटी साइज वाले से कम निकालना आसान है। अब लिथियम छोटा सा है तो उसमें से साइज इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल है, मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका कम है। तो लिथियम से जब सीजियम की तरफ जाते हैं, तो क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका कोई भी मेटल है, इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या होता है एम पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो भी समझ लेते हैं। लिथियम से जब आप सीजियम की तरफ जाते हो तो क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, और लिथियम से जब सीजियम की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी आ गया अंधेरा, कायम रहे भाई, अंधेरे में चलेंगे, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होगी आपकी, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या बोला, मेटल एब्जॉर्ब लाइट एंड इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम मेटल। इसको दिखाऊं आपको, ये आपने कोई मेटल ले रखा है, ये आपके पास में मेटल है, ठीक है, और मैंने इस पर डाली लाइट, ये मैंने इस पर डाली लाइट, ठीक है। लाइट मैंने जब डालूंगा इस पर तो क्या होगा, इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे,
मेटल लिया मैंने, मेटल पर मैंने लाइट डाली, और जब मैं लाइट डालूंगा तो इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर वो इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। यही क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। कोई अपन ने मेटल लिया, उस पर अपन ने लाइट डाली, और वो लाइट जो है इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे उस मेटल के, और उसके बाद में वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये क्या होता है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मेटल एब्जॉर्ब लाइट, मेटल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होता है और एंड रिमूव्ड फ्रॉम मेटल, और मेटल से वो रिमूव हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई कि लाइट आई मेटल पर आएगी, जिसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एलाइट डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लिथियम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स अपन पढ़ रहे हैं यार, तो उन्हीं का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ रहे हैं अपन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अपन ने मेटल लिया, उस मेटल पर अपन ने लाइट डाली, जैसे अपन लाइट डालेंगे तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्साइड होंगे, और ऑक्साइड होकर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएंगे। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन लिथियम जो है ना, लिथियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। आप इस एस ब्लॉक के अंदर एक चीज नोटिस करोगे, जो फर्स्ट ग्रुप अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप एक नोटिस करोगे, क्या नोटिस करना है आपको, कि जो लिथियम है ना, इसकी प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनसे अलग पाई जाती है। ठीक है, जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टी बाकी और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, देखो लिथियम जो है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, बाकी सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। लिथियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, बाकी सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। अब लिथियम क्यों नहीं कर रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सिंपल सी बात है, लिथियम की साइज छोटी यार, छोटी साइज है, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को पकड़ के रखेगा। ये क्या है लिथियम आपका, ये क्या है लिथियम है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव जो है इसको पकड़ के रखेगा, कस के पकड़ के रखेगा, कस के पकड़ के रखेगा, तो लाइट कितनी ही डाल दो ये एक्साइट होकर इसको बाहर नहीं जाने देगा। ये पॉजिटिव जो है उस नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने ही नहीं देगा, इसलिए लिथियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, बाकी ये सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। कौन ज्यादा करता है, सीजियम सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। क्यों करता है, साइज बड़ी है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, सीजियम सबसे ज्यादा करता है, सोडियम सबसे कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, और लिथियम तो बिल्कुल करता ही नहीं। चलो आगे चलते हैं, सॉफ्टनेस की बात करते हैं फिर, सॉफ्टनेस। ठीक है, तो सॉफ्टनेस की बात करें तो CS इज द सॉफ्टेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल कौन है, तो बोल देना सीजियम जो है ना, सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्टेस्ट मेटल कौन है, सीजियम है। ठीक है, ये देखो लिथियम से जब अपन सीजियम की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, उसी की वजह से क्या है आपकी सॉफ्टनेस में भाई सीजियम की ज्यादा है। ठीक है, एटॉमिक साइज, ये देखो ये आपको रिलेशन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा छोटा कर लें इसको। चलो एक मिनट, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड। जो मेटलिक बॉन्ड है उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, अब देखो लिथियम जो है वो मेटलिक बॉन्ड ही बनाएगा ना, तो जो मेटलिक बॉन्ड है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक साइज के। मतलब जितनी ज्यादा एटॉमिक साइज होगी उतना कमजोर उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, उतना कमजोर उसका मेटलिक बॉन्ड होगा, जितनी एटॉमिक साइज होगी, ज्यादा एटॉमिक साइज होगी उतना ही कम उसका क्या होगा, मेटलिक जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। मतलब बात करूं मैं, ये सीजियम है जी, ये आपका सीजियम है, बड़ा होता है, ये दूसरा सीजियम है, ये छोटा बन गया, एक में छोटा बन गया बेचारा, ये जी सीजियम है, इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है बॉन्ड है। अब दोनों की साइज बड़ी बड़ी है, साइज बड़ी बड़ी होगी तो क्या होगी, मेटलिक जो स्ट्रेंथ है इनके बीच में, जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये जिनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना वो कम स्ट्रेंथ का बनता है। वहीं मैं बात करूं, अगर छोटे छोटे एटम होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। समझ में ये बात, ठीक है। तो अब क्या है, जिसकी एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड उतनी कम होगी, और सॉफ्टनेस क्या है, जितनी ज्यादा एटॉमिक साइज होगी उतनी ज्यादा सॉफ्टनेस रहेगी, है ना, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम होंगे। अब देखो इसको 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 मेल्ट करना और बॉइलिंग बॉइल करना आसान हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका जो बॉन्ड बना है ना इनके बीच में, इनकी स्ट्रेंथ कम है, तो जैसे आप थोड़ा सा इसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा।
तो आपको पूछे कि सॉफ्ट सी एस जो है, सीजियम जो है वो सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है, और टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो वो डिक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम, कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। वैसे बात कर चुके अपन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, लेकिन बात कर लेते हैं इनकी वापस, है ना। चलो, वीक इंटर एटोमिक बॉन्ड्स ड्यू टू देयर लार्ज एटोमिक रेडियाई एंड प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। क्या बोल रहा है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वीक इंटर एटोमिक बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इनकी जो एटोमिक रेडियाई है वो बड़ी होती है, मतलब इनकी साइज बड़ी है। ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, इनकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी है इस वजह से इनके बीच में जो एटम्स बनते हैं वो वीक बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एटॉमिक साइज जितनी ज़्यादा, एटम की साइज जितनी बड़ी, उसका मेटलिक जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि जब आप इनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो ज़्यादा, मतलब एटॉमिक साइज इनकी ज़्यादा है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स अपन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करेंगे, इनकी एटॉमिक साइज ज़्यादा है इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना वो वीक बॉन्ड बनता है। अब वीक बॉन्ड बनने के कारण वीक बॉन्ड और क्यों बनता है, क्योंकि इनके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक ही है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनएस1 बताया था ना मैंने आपको, एनएस1 एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर। एक तो इनकी साइज बड़ी, ऊपर से इनके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है ना वो वीक बॉन्ड बनता है, इसलिए इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, लो होते हैं। तो वीक इंटर एटोमिक बॉन्ड्स ड्यू टू देयर एटोमिक रेडियाई, एटोमिक रेडियाई जो है इनकी लार्ज होती है, इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, और इनके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एमपी और बीपी सबसे ज्यादा किसके होंगे, लिथियम के। लिथियम में क्यों होगा, क्योंकि इन सब में इस ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे छोटा कौन है, लिथियम है। तो लिथियम छोटा है, इस वजह से क्या, इसके बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो क्या, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वही बात करें सीजियम की, तो सीजियम क्या है, सबसे बड़ा है, सब बड़ी साइज, मतलब जो बॉन्ड बनेगा वो कम बनेगा, स्ट्रेंथ कम बन रहेगी उसकी, जो बड़ी साइज के जो एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड बनता है, तो उनकी जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम रहती है, इस वजह से जो सीजियम की जो है, सीजियम जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, बॉइल हो जाता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो सीजियम का लो रहेगा, लिथियम का हाईएस्ट रहेगा, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, जनरली डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज इंक्रीज इन मास इज मच मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। जनरली बात करें अपन तो डेंसिटी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होती है। कैसे होती है उसकी बात कर लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, d इजिकल्स टू एम वी, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, d इजिकल्स टू एम वी, ठीक है, d इजिकल्स टू एम वी। डी क्या है यहां पर, डेंसिटी जी, डी क्या है, डेंसिटी, एम क्या है यहां पर, मास, और वी क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। मैं बोल रहा हूं जब साइज बढ़ती है ना किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की जब साइज बढ़ती है तो उसका मास भी बढ़ेगा, उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती है। जब किसी भी एलिमेंट की साइज बढ़ती है ना, मेरी बातें ध्यान से सुनना, जब किसी भी एलिमेंट की साइज बढ़ती है ना तो उसका मास भी बढ़ता है, उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती है। मतलब क्या होगा कि जब मैं लिथियम से सीजियम की तरफ जाऊंगा तो उसका मास भी बढ़ेगा और उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी, लेकिन वो जो मास है वो ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। जब किसी भी एक एटम की, मान लो लिथियम है, लिथियम छोटा है, ठीक है, सोडियम बड़ा है, तो लिथियम से जब मैं सोडियम की तरफ जाऊंगा तो सोडियम की साइज बड़ी हो रही है, मतलब इसका मास भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन मास और वॉल्यूम में मास जो वो ज्यादा बढ़ता है यार, है ना, बढ़ते दोनों ही है, मास भी इंक्रीज होता है, साइज वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, मास भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। जब भी, वापस दोनों ध्यान से, जब भी एलिमेंट की साइज बढ़ती है ना, जब भी किसी एलिमेंट की साइज बढ़ती है, किसी एटम की साइज बढ़ती है, तो उसका मास भी इंक्रीज होता है, उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। इतना बात समझ में आ गई। लेकिन मास ज्यादा बढ़ता है वॉल्यूम के कंपेयर में, बढ़ते दोनों हैं, दोनों ही इंक्रीज होते हैं, लेकिन मास जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है दोनों के कंपेयर में, ठीक है। चलो, मास ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए, अगर मैं वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता ना, अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता तो डेंसिटी कम होनी चाहिए थी, ठीक है। वॉल्यूम अगर ज्यादा होता ना तो डेंसिटी कम होती, लेकिन यहां पर क्या है, मास जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, मास ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, डेंसिटी जो है
वो इंक्रीज होगी। तो टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे, टॉप टू बॉटम जब जाओगे लिथियम से जब आप सीजियम की तरफ जाओगे तो क्या होगी, साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ेंगे, लेकिन मास और वॉल्यूम दोनों में से मास जो ज्यादा बढ़ता है, मास ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए क्या है डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। तो टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, K इज लाइटर देन सोडियम। देखो हिसाब से अपन देखें तो K जो है ना, पोटेशियम जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी सोडियम से। क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि पोटेशियम जो सोडियम के नीचे आ रहा है, पोटेशियम नीचे आ रहा मतलब पोटेशियम की साइज बड़ी है, और साइज बढ़ती है तो मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं, लेकिन मास ज्यादा बढ़ता है, मास ज्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि पोटेशियम जो है वो लाइटर होता है सोडियम से, मतलब पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। ये क्यों हुआ, क्योंकि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर देन इंक्रीज इन मास, क्योंकि यहां पर जो पोटेशियम जो है ना इसकी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ती है, मास कम बढ़ता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं एक बार समअप कर देता हूं क्या बोला मैंने, डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे किसी चीज़ की तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और अगर आप मास बढ़ा दोगे किसी चीज़ का तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ की जब साइज बढ़ती है ना, किसी भी एलिमेंट की जब साइज बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, उसका मास भी बढ़ता है, लेकिन मास ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ते दोनों है लेकिन मास ज्यादा बढ़ता है। अब मास ज्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो साइज बढ़ती है, ये पढ़ चुके हैं पहले कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो मतलब क्या है, मास बढ़ेगा तो मतलब क्या है, डेंसिटी बढ़ेगी। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है, क्या है, पोटेशियम की डेंसिटी होनी ज्यादा चाहिए थी सोडियम से। सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ती है, मतलब पोटेशियम की साइज बढ़ी है सोडियम से, ये बात तो कंफर्म है। तो पोटेशियम की साइज बड़ी है तो उसका मास भी ज्यादा होना चाहिए, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो सोडियम से पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन है, होती नहीं है ऐसी, क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि पोटेशियम की साइज बड़ी होती है, यहाँ पर मास ना बढ़ के वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, मास भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर देन इंक्रीज इन मास, मास भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से K इज लाइटर देन सोडियम, पोटेशियम जो है वो सोडियम से हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम लाइटर देन वाटर, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये जो है पानी से इनकी डेंसिटी कम होती है, वाटर से इनकी डेंसिटी कम होती है। चलो फिर बात करेंगे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की, बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो दे शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट एज दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस। चलिए मैं आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया तभी बता चुका हूँ कि इनके पास क्या होता है NS1, ठीक है, NS1 मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो दे शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट एज दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। चलो ये आपका है लिथियम प्लस वन, Na प्लस वन, K प्लस वन, Rb प्लस वन, Cs प्लस वन, ठीक है। फिर बात करेंगे फ्लेम टेस्ट की, बात कर लेते हैं ना फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या है, एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बंसन, ये आप पहले आपको मैं करके बता दूं उसके बाद में पढ़ते हैं इसको ना, क्या होता है ये फ्लेम टेस्ट। आपने लिया जी NaCl ले लिया आपने, घर पे जो नमक होता है आपने वो ले लिया, घर पे जो नमक होता है NaCl वो आपने लिया और आपने उसको पानी में घोल लिया, ये पानी है इसमें आपने नमक को घोल लिया। उसके बाद में क्या करना है आपको, एक लेनी है कोई आग जला लेनी है आपको ना, आग जला लेनी है, मोमबत्ती टाइप कुछ जला लेना, कैंडल टाइप है ना, चलो कैंडल ही बना लेते हैं। मान लो कि जली हुई है, ठीक है, ये कैंडल है मान लेना, कैंडल है ना, लग तो नहीं रही कैंडल से, कैंडल है जी ये जल रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो पानी आपने घोला है ना, ये जो नमक का पानी आपने घोला है, आप क्या करना, इस पर स्प्रे करना, ठीक है, स्प्रे की मदद से इस पानी को इस कैंडल पर डाल के देखना, तो ये कैंडल का जो कलर है ना, ये जो आग जो जल रही है, ये फ्लेम का रंग जो है ना वो कैसा हो जाएगा, वो रंग हो जाएगा गोल्डन येल्लो, कैसा कलर हो जाएगा, गोल्डन येल्लो कलर की फ्लेम हो जाएगी। क्यों हुई, इसका रीजन अभी मैं दूंगा आपको ना, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया कि एक पानी लो, एक पानी क्या नमक लो, पानी में उसको घोल लो, उसके बाद में
एक कैंडल ले लो, उसको जला लो, उसके बाद में स्प्रे करके स्प्रे करो उस कैंडल जो जल रही है उस पर, उस नमक वाले पानी को स्प्रे करके देखना आपको वो जो कैंडल की जो फ्लेम है वो कैसी हो जाएगी, गोल्डन येलो हो जाएगी। क्यों हुई है गोल्डन येलो, इसका रीज़न अभी बताता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई भी, ये एक एटम है, सोडियम है जी, ये क्या है, सोडियम है Na, इसके ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको कैंडल पर डालोगे, जैसे ही आपको थोड़ी सी हीट दोगे इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्साइड होके ऑक्साइड होगा, ठीक है, और ऑक्साइड होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको हीट दोगे, जैसे ही ये जो सोडियम जो पानी अपन ने घोल रखा है ना, इसमें नमक घोल रखा है, इसमें सोडियम भी है, ठीक है, NaCl में सोडियम तो है ही, ठीक है। जैसे ही आप उसको हीट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्साइड होकर ऊपर जाएंगे, ऑक्साइड होकर ऊपर जाएंगे तो वो वापस भी आएंगे, क्योंकि इनको एनर्जी मिलेगी ना, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो आप इनको हीट दे रहे हो ना वो उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन। एब्जॉर्ब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्साइड होकर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में ये जब वापस ग्राउंड स्टेट में नीचे आएंगे ना, तब वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और जो वो एनर्जी रिलीज करते हैं वही अपन को कलर के रूप में दिखती है, इसलिए वो गोल्डन येलो दिखती है। वापस एक बार बता दूंगा मैं आपको, है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद वापस समझाऊंगा। एल्कली मेटल्स एंड देयर सोल्ट्स, एल्कली मेटल्स या फिर उनके सोल्ट, जैसे NaCl जो है वो एल्कली मेटल का सोल्ट ही तो है, सोडियम का सोल्ट ही तो है, तो एंड देयर सोल्ट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर, कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे इनका, हर का अलग अलग कलर होता है, लिथियम अलग कलर देता है, सोडियम अलग कलर देता है, उनकी बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बंसन फ्लेम, जो बंसन फ्लेम है उसको, ठीक है, जो फ्लेम है उसको ना, द फ्लेम एनर्जी कॉजेज एन एक्साइटेशन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या एक्साइट, उसको एक्साइट करेगी, जो एनर्जी है वो एक्साइट करेगी, विच ऑन ड्रॉपिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट इमिट्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एज विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के रूप में अपन को दिखती है। वही बात मैंने यहां पर आपको बोली कि ये आपका सोडियम का एटम है, ये आपका सोडियम है, ठीक है। जैसे ही आप इसको एनर्जी दोगे, जैसे आपको हीट दोगे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कर लिया एब्जॉर्ब, जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होकर क्या जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, चले गए ऊपर। उसके बाद में जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, जब वापस अपनी जो स्टेट है उसमें वापस आएंगे, तब क्या करेंगे, ये जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी थी ना उसको वापस रिलीज करेंगे। एब्जॉर्ब एनर्जी इन्होंने, देखो आपने इनको हीट दी, उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, उस हीट को ही एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर किया तो ये एक्साइट हो गए और ये ऊपर गए। वापस जब नीचे आएंगे ये इलेक्ट्रॉन, जब वापस नीचे आएंगे तो इनमें से वो एनर्जी जो अब्जॉर्ब करी थी वो एमिट होगी, वो बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। तो जो रिलीज होती है ना उस टाइम पर, वो एनर्जी रिलीज होती है वो अपन को विजिबल लाइट के रूप में दिखती है। जैसे सोडियम के केस में कैसा कलर अपन को दिखता है, गोल्डन येलो कलर का दिखता है, कैसा दिखता है, गोल्डन येलो, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ऊपर जाते हैं और वापस जब नीचे आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी जो है अपन को विजिबल लाइट के रूप में, गोल्डन येलो के रूप में अपन को दिखती है। समझ में आ गया आपको कि ये फ्लेम टेस्ट होता क्या है, फ्लेम टेस्ट होता क्या है कि कोई भी एल्कली मेटल या फिर उसका सोल्ट ले लो, उसके बाद में उसको आप एनर्जी दोगे, उसके जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जब वापस वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब वो एनर्जी जो इन्होंने एब्जॉर्ब करी है वो वापस रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे आपको, कलर दिखाएंगे, ठीक है। लिथियम जो वो कैसा कलर दिखाता है, क्रिम्सन रेड कलर दिखाता है। वहीं बात करें सोडियम की तो गोल्डन येलो कलर दिखाएगा, ये आपको याद होनी चाहिए ऐसे के ऐसे। लिथियम कैसा कलर दिखाता है, क्रिम्सन रेड। सोडियम कैसा दिखाता है, गोल्डन येलो। पोटेशियम कैसा दिखाता है, वॉयलेट। और रूबीडियम कैसा दिखाता है, रेड वॉयलेट। सीजियम कैसा दिखाता है, ब्लू कलर दिखाता है। समझ में आ गई बात, लिथियम कैसा दिखाता है, क्रिम्सन रेड दिखाता है। सोडियम कैसा दिखाता है, गोल्डन येलो दिखाता है। पोटेशियम वायलेट दिखाता है, रूबीडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू कलर दिखाता है, ये आपको याद होना चाहिए ना। चलो ये फिर आगे अपन कल करेंगे ना, आज लेकिन लेक्चर में इतना ही करेंगे। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, समझ में आया या नहीं आया वो भी बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।